हाय दोस्तों, आज हम बात करने वाले एंड ई स्पोर्ट्स के पावर सप्लाई के बारे में, जो मैंने अभी बाय किया है, अमेजोन से ही बाय किया है। डिटेल रिव्यू करूंगा, बट उसके पहले आपको पता है क्या करना है। अगर मेरे चैनल पे नए आए हो तो सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन बेल हिट कीजिए मेरे लेटेस्ट वीडियो की अपडेट के लिए। ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। चलिए, तो ये अमेजोन से बाय किया है, मैं आपको इसकी रेटिंग दिखा देता हूँ। जो रेटिंग थी वो 4.3 की थी आउट ऑफ 5 में, और 2,990 पीपल ने रेटिंग दी थी। 1982 रुपीस का था जब मैंने बाय किया था। 20 से 40 रुपया फ्लक्चुएट होते रहता है ये। और एक चीज मैं बता देता हूँ, अमेजोन में इसके डायमेंशन दिए गए हैं, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। बाय करने के पहले ही देख लीजिए, डायमेंशन आपको स्क्रीन पे दिखा देता हूँ। इसका जो वेट है वो करीबन 1800 ग्राम्स है। वेट इतना मैटर नहीं करता है, बट कभी कभी किसी को लाइट वेट सीपीयू बनाना होता है तो वो वेट देखते हैं। तो 1800 ग्राम यानी एक 1 किलो 800 ग्राम्स का है, तो ये थोड़ा बल्की है। आपको स्क्रीन पे बॉक्स का कंटेंट बता देता हूँ। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, टॉप पे लेफ्ट साइड पे एंड ई स्पोर्ट्स लिखा गया है, नीचे कंटिन्यूस पावर लिखा गया है, 120 mm का फैन देखने मिलता है जो काफी लाइट एंड साइलेंट है, जो इसमें अमेजोन में बताया गया है। VS500L ये इसका मॉडल नंबर है। VS मतलब वैल्यू सीरीज पावर सप्लाई है, और 500 मतलब 500 वॉट का है। लेफ्ट साइड और राइट साइड की बात करें तो लेफ्ट साइड में भी सेम मॉडल नंबर दिया है, टॉप और नीचे भी सेम चीज दिया गया है। राइट साइड में थोड़ी डिटेल स्पेसिफिकेशन दी गई है, जो सारे कस्टमर सपोर्ट के नंबर है, टेक्नीशियन डिजाइन, वो सारा डिटेल दिया गया है। यहाँ पे जो मेन चीज है वो दो ही है, जो कि बॉक्स के अंदर क्या आता है। बॉक्स के अंदर हमें देखने मिलता है पावर सप्लाई, पावर सप्लाई के साथ पावर केबल देखने मिलता है, माउंटिंग स्क्रू दिए गए हैं 4, और यूजर मैनुअल दी गई है। और अगर यहाँ पे MRP देखें तो 2,699 रुपीज़ है, और यहाँ पे सब कस्टमर सपोर्ट के नंबर दिए गए, जो मैं आपको स्क्रीन पे बता देता हूँ। बैक साइड की बात करें तो ये काफी इंपॉर्टेंट है, मैं आपको बता दूंगा, बट ऊपर पहले बात कर लेते हैं। यहाँ पे वापस ब्रांड का नाम दिया गया है, मॉडल नंबर दिया गया है राइट साइड में, प्रोडक्ट के फीचर्स दिए गए हैं, कुछ वोल्टेजेस एंड मैक्स लोड्स के बारे में बताया है। अब जो इंपॉर्टेंट है वो ये पार्ट है कनेक्टर्स के बारे में, जो मैं भी बहुत सारे वीडियोस में देख रहा था कि कनेक्टर, क्योंकि लिए अमेजोन के प्रोडक्ट में नीचे में लिखा तो गया है कितने मिलेंगे पार्ट्स और कितने स्पेसिफिकेशन, बट वायर का आपको देख के ही मालूम पड़ता है कि SMPS वैसे जल्दी खराब नहीं होते। उसमें जो मेन खराब होता है वो उसका मोलेक्स खराब होता है, या तो साटा केबल खराब होता है। साटा केबल की वजह से ही SMPS का इश्यूज आता है। तो यहाँ पे मदरबोर्ड का जो 24 pins का कनेक्टर जो होता है वो एक है इसमें अंदर। CPU में 4 pins का जो कनेक्टर होता है वो 2 है। PCIe का जो है 6+2 का पिन वो 1 मिलता है। साटा 4 देखने मिलते हैं एंड मोलेक्स 2 देखने मिलते हैं। मोलेक्स का मेन काम होता है फैंस के साथ कनेक्ट करना, ताकि सिस्टम कूल रहे। ये सारी स्पेसिफिकेशंस थी। नीचे सीरियल नंबर देखने मिलता है। इसके अंदर अमेजोन में एक चीज जो बताई गई थी वो आपको मैं बता देता हूँ। 1 lakh hours का लाइफ स्पैन है, जो कि करीबन 11 साल तक चलेगा। 2000 के अंदर अगर आ रहा है, और अगर 4 से 5 साल भी अगर प्रोडक्ट कोई चल जाता है तो काफ़ी अच्छी बात है। अगर ऑफिस यूज के लिए ले रहे हो तो हाँ, आप 6-7 साल और यूज़ करोगे, बट मैक्सिमम अगर आप गेमिंग एडिटिंग पर्पस के लिए यूज़ करें तो टाइम बिंग के साथ सिस्टम को अपग्रेड करते हैं। तो मेरे ख्याल से ये पावर सप्लाई भी आप अपग्रेड करोगे, बट 4 साल चल गया तो वैल्यू फॉर मनी ही है। इसको अनबॉक्स कर लेते हैं फटाफट से। चलिए, तो इसको अनबॉक्स तो कर लेते हैं। इसका अमेजोन पे आपको एक मैंने सेक्शन बताया था, जो कि रैंकिंग का सेक्शन होता है। तो ये 5th रैंक पे आता है। उसके ऊपर भी जो प्रोडक्ट्स है वो एंड ई स्पोर्ट के ही है, वोल्टेज खाली ज्यादा वाले हैं। तो रैंकिंग इतना मैटर नहीं करता है, बट आपको एक कॉन्फिडेंट देने के लिए कि हाँ भाई, रैंक अच्छा है। अगर टॉप 10 रैंक में आपका प्रोडक्ट है तो काफी अच्छी चीज है। मैंने इसको अनबॉक्स कर लिया है। यहाँ पे एंड का ई स्पोर्ट का सील लगा हुआ था, जो कि मैंने खोल दिया है। अब मैं इसको प्रॉपरली अनबॉक्स कर लेता हूँ। पैकेजिंग काफी अच्छी थी और एक ही दिन में डिलीवर हो गया था। यहाँ पे आपको जिप टाई देखने मिलती है, जो कि आपको हेल्प करेगी केबल मैनेज करने के लिए। और यहाँ पे 4 स्क्रू की जो बात की थी वो इसके अंदर देखने मिलते हैं। ये है यूजर मैनुअल, जहाँ पे आप कनेक्ट कर सकते हैं उनके साथ इंस्टाग्राम के पेज पे मेरे ख्याल से। और यहाँ पे ही सारा चीज इंफॉर्मेशन दिया गया है, कैसे कनेक्ट करना है ये सब चीजें। केबल देखने मिलता है, जो मेरे ख्याल से काफी अच्छी क्वालिटी का है, बट केबल आपके पास भी काफी होंगे। पुराना SMPS का केबल भी आप यूज कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नया वाला यूज करना चाहो तो कर सकते हैं। केबल पे ही इंफॉर्मेशन भी लिखी रहती है। 1 मीटर के ऊपर का है ये, जो कि अच्छी बात है। इसको साइड में रख लेते हैं। अब बात करते हैं SMPS की। तो ये है
है काफी बल्की है, ऐसे उठाने में तो हल्का ही लग रहा है बट है थोड़ा वेट है, और तो काफी कुछ नहीं है इसमें, ये खाली हो चुका है पूरी तरह से, इसको साइड में रख देता हूँ मैं। और ये है हमारा SMPS, तो यहाँ पे ही सारे एक केबल मैनेजर भी दिया गया है वेलक्रो के साथ, तो इसको मैं ओपन कर लेता हूँ, तो ये साइड में रख देते हैं, तो देख सकते हैं ये है वो 20+4 का पिन जो हमें यूज में आएगा, और ये है वो 8 पिन कनेक्टर जो मेरे CPU में लगेगा। ये दो ही मेन चीज लगेगी, और साटा केबल, साटा केबल जो होते हैं वो यहाँ से फूल जाते हैं इसलिए खराब होते हैं, तो आप देख सकते हैं एक दो दो साटा केबल है और एक मोलेक्स है, और इसके अंदर भी आप अगर देखें तो ये है मेरे ख्याल से ये ग्राफिक कार्ड का है। हाँ एग्जैक्टली ग्राफिक कार्ड का है, जो अलग अलग हो गया है बट ये ग्राफिक कार्ड में जाएगा, तो एक ग्राफिक कार्ड के लिए भी सपोर्ट दिया गया है, तो दो साटा केबल और एक मोलेक्स, तो सेम चीज है, तो आप यूज कर सकते हैं। इसका सिनेमेटिक शॉट देख लेते हैं, चलिए। अगर आपको ये प्रोडक्ट बाय करना है तो इसका लिंक मैं मेरे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। एक चीज मैं आपको बताना भूल गया, 2 साल की वारंटी आती है इसमें जो आप क्लेम कर सकते हैं, सारे डिटेल्स मैंने मेरे वीडियो में बता दिए हैं कैसे क्लेम करना है, अगर तो कस्टमर सपोर्ट का जो नंबर है मैंने यहाँ स्क्रीन पे भी बताया, अगर आपको नहीं मिल रहा है तो डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा। इतना ही था इस वाली वीडियो में, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, आपको कोई भी डाउट्स है तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं, मुझे इंस्टा पे भी DM कर सकते हैं और कनेक्ट कर सकते हैं वहां पे। मिलते हैं नेक्स्ट वाली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।